हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं हूँ पूनम तोमर, मैं आपका अपने चैनल में नई वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो डिफरेंट सी है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो जवे होते हैं जिनको हम हाथ से तोड़ते हैं और वो मैदा से बनाए जाते हैं, तो उसी की वीडियो मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि जवे किस तरह से घर पर हम तैयार करते हैं अपने ही हाथों से। और जवे अलग होते हैं, सेवियां अलग होती हैं। कुछ लोग जवे को ही सेवियां समझते हैं, तो आज मैं दिखाऊंगी सेवियां क्या होती है, जवे क्या होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं। और ये वही जवे होते हैं जिनको हम नमकीन भी बना के खा सकते हैं, दूध वाले खीर में भी बना के खा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और आप इस तरीके से जवे तोड़ना सीख भी सकते हैं। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो में नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, करती हूँ अपनी वीडियो की शुरुआत, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। चलती हूँ, करती हूँ वीडियो की शुरुआत, दिखाती हूँ मैं किस तरह घर पर जवे। तो फ्रेंड्स, यह है आटा जो गेहूं से तैयार होता है, घर का नॉर्मली आटा है जिसकी रोटियां डेली में खाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले लिया है दुपट्टा, ये बारीक है, इसमें बहुत अच्छी सी मैदा निकल के तैयार हो जाएगी। तो जो घर के आटे की मैदा होती है वो नुकसान कम करती है, मार्केट वाली मैदा ज़्यादा नुकसान करती है। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा लूँगी और हल्का हल्के हाथ से मैदा कुछ नीचे छन के चली जाएगी, आटा बारीक बारीक छन के नीचे चला जाएगा, जो मैदा हमारी बन के तैयार हो जाएगी। इस मैदा को अगर हम जवे में मिक्स करते हैं तो ये कम नुकसान करती है, और मार्केट वाली बहुत ज़्यादा वाइट होती है वो ज़्यादा नुकसान करती है। मैं दोनों तरह के जवे बना के रखती हूँ, वैसे तो ये होती है मार्केट वाली मैदा जो बहुत ज़्यादा वाइट होती है, और ये है जो मैंने घर पर निकाल कर तैयार की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस। वैसे तो ये बारीक तो मैदा के जितनी होती है, लेकिन इसका कलर हल्का सा डाउन होता है क्योंकि ये घर के गेहूं से बनके तैयार हुई है। वैसे मैं घर पर गेहूं भी धुल के ही आटा बनाती हूँ, और ये जो मार्केट वाली मैदा है इसको भी मैं छलनी से छान लूँगी, और दोनों मैदाओं को बराबर मात्रा में बराबर क्वान्टिटी में मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये वाली मैदा भी ले ली है, मार्केट वाली भी, और जो घर पर कपड़े से छान के तैयार की है वो भी ले ली है। दोनों को बराबर मात्रा में लिया है और दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करके इनको उठा कर रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों मैदाओं को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं एक पॉलीथीन लूँगी और उसमें भर के रख दूँगी, क्योंकि डेली जब ये तोड़ती हूँ थोड़े थोड़े, तो इस तरीके से थोड़ी मैदा लूँगी और डेली माड़ कर जवे तोड़ लूँगी। तो यहाँ पर मुझे जितने जवे तोड़ने हैं, क्योंकि अकेली तोड़ती हूँ, तो यहाँ पर मैंने 150-200 ग्राम मैदा ली है और इसको मैं गूँथ कर तैयार कर लूँगी। तो मैदा को हम पूड़ी के जैसा थिक लगाते हैं आटा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी लूँगी और थिक आटा लगा के तैयार करूँगी पूड़ी के जैसा, क्योंकि ये डब्बी में रखा जाता है तो अपने आप सॉफ्ट हो जाता है कुछ देर में। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इस आटे को लगा कर तैयार कर रही हूँ जवे वाले को, मैदा को, हमारे यहाँ बोलते हैं मैदा माड़ दो, मैदा माड़ रही हूँ ये जवे के लिए, और बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं माड़ के रखती हूँ, 3 से 4 घंटे तक ही स्टोर करती हूँ इसको, और ये ख़त्म हो जाती है इतने टाइम में, दोबारा से माड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर माड़ माड़ कर मैंने इसको बहुत ही चिकना स्मूथ सा करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको मसल मसल कर बिल्कुल स्मूथ बना के तैयार कर दिया है। हम इसको ज़्यादा मसलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो यहाँ पर मैदा हमारी तैयार है, तो मैंने ले लिया है देसी घी, थोड़ा सा मैंने डब्बी में लगा दिया है जिसमें मैं मैदा को रखती हूँ स्टोर करके, और ये मैंने थोड़ा सा बर्तन में लगा लिया है परात में, और इस तरीके से इस मैदा को इस घी में भी मसल दूँगी, जिससे हमारी मैदा बहुत सॉफ्ट होती है, जवे तोड़ने में हाथ तेज चलता है इस तरीके से मैदा करके। और मैं इसको डब्बी में रख दूंगी गोल करके, और 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के बाद मैदा बहुत ही स्मूथ सी बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने घी भी लगा दिया है, मैदा को अच्छे से मसल दिया है, इसको डब्बी में रख दूंगी और 10-15 मिनट बाद जवे तोड़ने शुरू करूंगी। फ्रेंड्स, मैदा लगा के इसमें रख ली है और मैदा को 10 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पर मैंने पेपर बिछा लिया है। पहले तो लोग
ऐसे ही कपड़ा बिछा लेते थे बड़े बड़े और 5-7 लोग बैठ जाते थे जवे तोड़ने, और अच्छा भी लगता था, सारे लोग इकट्ठे होकर जवे तोड़ते थे। लेकिन यहाँ तो मैं अकेली हूँ तो अकेली ही जवे तोड़ूंगी, उसके लिए मैंने पेपर बिछा लिया है। पेपर या कट्टा होता है यूरिया वाला, उसको भी बिछा लेते हैं। तो अभी मैंने पेपर बिछा लिया, इसी पर जवे तोड़ूंगी और दिखाऊंगी किस तरीके से हम जवे तोड़ते हैं। तो लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके थे मैदा को, इतने मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। और आप देख सकते हैं ये मैंने थोड़ी सी मैदा निकाल ली है, बाकी मैदा को मैं डब्बी को सील करके ही रख दूंगी बंद करके, जिससे हवा ना लगे। हवा लगने से मैदा में पपड़ी आ जाती है, जिससे जवे तोड़ने में दिक्कत होती है। और इस तरीके से मैं एक बत्ती सी बना लूँगी आटे से, और आप देख सकते हैं किस तरह से उंगलियाँ चलानी है, इस तरीके से उंगली चलानी है, और अपने आप ये जो बत्ती है बारीक होती जाएगी और हमारे जवे बनके तैयार हो जाएंगे। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा थोड़ा किस तरीके से चलाने हैं दोनों हाथों की उंगलियाँ। ये जो उंगलियों के आगे के हिस्से होते हैं, पोरुए बोलते हैं इनको, इस तरीके से चलाएंगे हम। वैसे हम लोगों को तो आदत पड़ी हुई है क्योंकि हम लोग छोटे से ही तोड़ते आ रहे हैं, और ये स्टोर करके भी रखते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि ये बच्चों को बड़ों को सबको हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग खाना पसंद नहीं करते लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। कुछ लोगों से तोड़ने नहीं आते हैं, इस वजह से भी लोग नहीं खा पाते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको काफ़ी स्पीड से तोड़ लेती हूँ, मैं अपना काम करने के बाद भी 400-500 ग्राम जवे आराम से तोड़कर इकट्ठा कर लेती हूँ। दिन में जितना एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसी में 2 से 2.5 घंटे में 400-500 ग्राम जवे तोड़ लेती हूँ। इस तरीके से मैंने दूसरी बार भी मैदा उठा ली है और फिर से बत्ती बनाऊँगी और इस तरीके से ही इनको तोड़ लूँगी। यहाँ पर मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैं उंगलियाँ चलाती हूँ, किस तरीके से मैदा की बत्ती बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप पास से देख सकते हैं किस तरीके से मैं चलाऊँगी ये उंगलियाँ। इस तरीके से ही चलाएंगे तो पहले तो कुछ कम टूटेंगे, लेकिन धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। तो आप लोग भी हम मेरी तरह जवे तोड़ कर रख सकते हैं, अपने घर के टूटे हुए जवे खा सकते हैं, जो प्योर भी होते हैं, नुकसान भी कम करते हैं, और इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं पूरे साल के लिए। लेकिन गर्मियों में ही तोड़े जाते हैं जवे, जुलाई जून अगस्त इन महीनों में आराम से तोड़कर इकट्ठे कर सकते हैं थोड़े थोड़े। भाई हम तो रखते हैं इसी तरीके से जवे तोड़। तो आप देख सकते हैं, अब तो आपको पास से दिखाई दे गया होगा कि मैं किस तरीके से उंगलियाँ चला रही हूँ, और इस तरीके से मैंने ये इकट्ठे कर लिए हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बारीक भी तोड़ते हैं, कुछ लोग बहुत मोटे तोड़ते हैं, लेकिन मैं बीच के ही तोड़ती हूँ। यहाँ पर मैंने 2-3 अखबार भर लिए हैं तोड़कर, और ये हल्की हल्की हवा लग चुकी है। इस तरीके से हम इनको छुटा देंगे और कुछ देर के लिए पंखे में रख देंगे, और आप चाहें तो जब ये सूख जाए तो इनको आधा घंटे की धूप लगा लें हो सके तो। और यहाँ पर ये एक दिन के जवे हैं जो मैंने आज में तोड़कर इकट्ठे किए हैं। अभी इनको दिखाती हूँ कि इनको स्टोर करके कैसे रखते हैं। तो यहाँ पर इस बाल्टी को मैंने भर लिया है 10 से 15 दिन में, और ये रख ली है कढ़ाई। कढ़ाई में थोड़े थोड़े जवे डालेंगे और चलाते रहेंगे, जिससे कि तले में जवे जले ना। इस तरीके से चलाते रहेंगे जल्दी जल्दी, जिससे कढ़ाई में जवा नीचे जले ना, नहीं तो जवा कड़वा हो जाता है और ब्लैक नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं इनका कलर हल्का सा ब्राउन हो चुका है, तो यहाँ पर हमारे जवे भून चुके हैं। इस तरीके से ही जवे में स्टोर करके रख लेती हूँ तो जवे ख़राब नहीं होते हैं। इनको ठंडा करने के लिए मैंने एक छोटी प्लेट में निकाल दिया है और इस बाल्टी में स्टोर करके रखूँगी। फिर से कढ़ाई रख ली है और थोड़े से जवे फिर से लूँगी, और ऐसे ही चला चला कर बिल्कुल हल्का सा ब्राउन होने तक इनको सबको भून लूँगी, जिससे जवे हमारे पूरे साल भी ख़राब नहीं होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं चलाते रहें, जिससे कि जवे जले ना। और ये हैं मार्केट वाली मैदा के जवे, ये मैंने पहले तोड़ लिए थे। ये वाइट होते हैं, आप देख सकते हैं ये वाइट होते हैं मार्केट वाले मैदा के जवे। और अभी इनको भी मैं इसी तरीके से भून लूँगी, हल्का सा ब्राउन होते रहेंगे, और बहुत ज़्यादा ब्राउन ना करें नहीं तो जवे अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ पर मैंने दोनों तरीके के जवे भूनकर स्टोर कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये हैं वाइट जो मार्केट वाली मैदा के हैं, ये घर वाली मैदा के मिक्स है। थोड़ा कलर तो डिफरेंस होता है लेकिन खाने में नुकसान नहीं करते हैं। दोनों तरीके के जवे हमारे तैयार हैं। और ये होती हैं सेवियाँ,
जो मार्केट से लाते हैं सेवियाँ, इनको बोलते हैं हमारे यहाँ पर। और एक सेवी गांव में बनाई जाती है मशीनों से, वो सेवी हमें अच्छी नहीं लगती है। और ये सेवियाँ होती हैं और ये होते हैं जवे। अभी मुझे उम्मीद है कि आपको जवे और सेवियों का फ़र्क पता चल गया होगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।